सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा रेडमी नोट 9 प्रो की। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास इसका बॉक्स आ गया है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि इस फ़ोन के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के क्या खास फीचर हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तों साथ में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप इस फ़ोन को बड़े ही आसानी से कैसे परचेज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि रेडमी के जो फ़ोन होते हैं वो हमें ऑनलाइन देखने को मिलते हैं और दोस्तों जब ये स्टॉक में आते हैं तो तुरंत से ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसे आप इसे बड़े ही ईजी तरीके से खरीद सकते हो, बड़े ही आसानी से खरीद सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्क्रीन में करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आप इस फ़ोन को कैसे खरीद सकते हो और इस फ़ोन के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। दोस्तों जी है हमारे रेडमी नोट 9 प्रो का बॉक्स, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया नंबर 1 कंपनी। दोस्तों ये मेरे पास 4GB और 64GB वाला वेरियंट है, जो कि मेरे पास ब्लू कलर का है। तो चलिए दोस्तों इसके की हाईलाइट पर नज़र डालते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन 720 का प्रोसेसर। या दोस्तों इस फ़ोन के अंदर हमें वही प्रोसेसर देखने को मिलता है जो हमें कुछ टाइम पहले 18,000 रुपये की रेंज में देखने को मिल रहा था। दोस्तों सोमी ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि 18,000 रुपये वाले प्रोसेसर हमें 14,000 रुपये में देना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसका जो दूसरा हाईलाइट है वो है इसका क्वाड कैमरा सेटअप। या दोस्तों इसमें हमें 48 मेगापिक्सल का AI कैमरा देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक काफ़ी अच्छा कैमरा है। इस फ़ोन को दोस्तों रियर में हमें 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है। दोस्तों इसका सेल्फी जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, जो कि डिस्प्ले के अंदर है। दोस्तों तीसरी हाईलाइट की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो हमें डिस्प्ले मिल रही है वो 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों IPS LCD की फुल HD डिस्प्ले है, जिसके अंदर दोस्तों हमें कोर एंड गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है फ्रंट और बैक दोनों तरफ। दोस्तों इसके अंदर हमें जो बैटरी मिलती है वो 5020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्ज देखने को मिल जाएगा इन द बॉक्स। तो दोस्तों मेरे पास इसका 4GB और 64GB वाला वेरियंट है। चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पास रेडमी के इससे पहले भी दो फ़ोन हैं, क्योंकि दोस्तों रेडमी की नोट सीरीज काफ़ी अच्छी है। ये देखिए मेरे पास इसका पहले से ही नोट 6 प्रो है, जो काफ़ी टाइम पहले आया था, अभी तक सही चल रहा है मेरे पास, ये देखिए। और दोस्तों मेरे पास इसका रेडमी का नोट 7 प्रो भी है, जो भी दोस्तों ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम चल रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को खोलता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें जो मिलता है वो एक बॉक्स मिलता है, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ। सबसे ऊपर दोस्तों हमारी पिन दी गई है, जिससे आप इस फ़ोन के अंदर अपनी सिम और मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। दोस्तों ये कुछ पेपर दिए गए हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हो या फिर यही छोड़ सकते हो। दोस्तों जी इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है, जो कि एक TPU केस है नॉर्मल सा। इसकी क्वालिटी ज़्यादा खास नहीं है, बट बॉक्स के अंदर मिला है तो काफ़ी अच्छा है। चलो दोस्तों जी हमारा डिवाइस, जो कि भाई मैंने आपको बताया था, इसको दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे, इस साइड में रखते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हमें एक चार्जर मिलता है, iBolt 3A का चार्जर है दोस्तों, जो कि फास्ट चार्जर है। और दोस्तों इसके अंदर हमें केबल मिलती है, जो कि सी टाइप केबल है, ये देखिए ये सी टाइप केबल है दोस्तों। और इसके अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और आपको फ़ोन को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन और ये इसका केस है जो उसके साथ मिला था, मैं इस पे से लगा के देखता हूँ कैसा लगता है।
दोस्तों कवर लगाने के बाद हमारे फ़ोन का जो कलर है पूरी तरीके से विजुअल हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से साफ दिख रहा है। दोस्तों चलिए मैं इसको सेटअप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे सेटअप कर दिया है। दोस्तों इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक फुल एचडी डिस्प्ले है दोस्तों जिसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और दोस्तों इसके कैमरा की बात करें तो इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है दोस्तों, और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो हमें डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोस्तों रेडमी के जो कैमरे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनसे हमारी काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकल कर आती है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो बनाने का शौक़ है तो आप इससे अच्छी खासी वीडियो बना सकते हो। दोस्तों इस फ़ोन का जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो है इसका प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, जिससे दोस्तों आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी कम कंज्यूम होगी। दोस्तों जो प्रोसेसर है जो कुछ टाइम पहले हमें 18,000 रुपये देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो हमें सिर्फ 14,000 रुपये देखने को मिल जाता है। दोस्तों जब भी रेडमी को नया फ़ोन लेके आता है उसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा देता है जो हमें बाकी और फ़ोनों में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों 720G प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इससे आपकी बैटरी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा चलेगी और आपका फ़ोन हीट भी नहीं होगा। दोस्तों इसका अगला पॉइंट है इसकी बैटरी। दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें 5020mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसके अंदर दोस्तों हमें 18W का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है। दोस्तों अगर 18 की जगह 27W का फास्ट चार्ज होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन 18W का है तो आपका जो फ़ोन है 2 से 2.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी जो बैटरी है काफ़ी बड़ी बैटरी है, जिसके अंदर आप 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से ले सकते हो। दोस्तों इस फोन की जो बॉडी है वो ग्लास की बॉडी है, इसके फ्रंट में आपको गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है डिस्प्ले के अंदर, और इसके बैक है जो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसका जो बैक है ये भी आपको दोस्तों ग्लास का दिया गया है, जिसके अंदर आपको गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, आपको इस फोन के अंदर दोनों तरफ प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और दोस्तों इसके अंदर आपको P2A कोटिंग भी देखने को मिलती है, जिससे आप अगर हल्की फुल्की बारिश में इसको लेकर चले जाते हो तो आपका ये फ़ोन है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे इसके अंदर फीचर दिए गए हैं, और दोस्तों इस फ़ोन का जो सबसे अच्छा फीचर देखने को मुझे लगा है वो इसका कैमरा। ये देखिए दोस्तों इस कैमरे का जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, एकदम बीच में जो 4 कैमरे दिए गए हैं दोस्तों काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इस फ़ोन को बड़ी ईजीली तरीके से कैसे खरीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये फ़ोन है जो ऑनलाइन मिलता है और इसका जो स्टॉक है काफ़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो कैसे आप खरीद सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जितने भी रेडमी के फ़ोन आते हैं या फिर जितने भी ऑनलाइन फ़ोन आते हैं वो हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हो यहाँ पर आपके मोबाइल की मार्केट है आपके घर के आसपास, तो आप वहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर आपके जो भी ऑनलाइन फ़ोन है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि आपको मार्केट में थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जिससे आप ब्लैक मनी ही बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको जो भी फ़ोन चाहिए होता है वो आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन के इंतजार में रहोगे तब आप पता नहीं कब खरीद पाओगे, लेकिन अगर आप इसे तुरंत खरीदना चाहते हो तो आप अपनी आसपास की मार्केट में आकर ट्राई कर सकते हो, आपको कोई भी फ़ोन हो ऑनलाइन वो आपको आपकी मार्केट में ज़रूर मिल जाएगा, बस आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन फ़ोन होते हैं जो हमें मार्केट में मिल तो जाते हैं लेकिन इसका जो बिल होता है वो हमें दोस्तों ऑनलाइन बिल ही मिलता है, जो दोस्तों दुकानदार होते हैं वो अपना बिल इसके साथ नहीं देते। लेकिन दोस्तों आपको जो फ़ोन है कोई भी फ़ोन हो जो ऑनलाइन फ़ोन है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो आप अपनी मार्केट में ट्राई कर सकते हो। 4GB और 64GB वाला दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 14,000 रुपये है, लेकिन आपकी मार्केट में कितने का मिलता है जी आप जाकर ट्राई कर सकते हो अगर आपको खरीदना है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो जो कि 15,000 रुपये के अंदर हो तो आप इस फ़ोन को बिना टेंशन ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 720G, और दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ी है, जिससे आप अपने 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से ले सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है इसकी डिस्प्ले, अगर आपको गेम खेलने का शौक़ है, अगर आपको ज़्यादा मूवी देखने का शौक़ है तो आप इसके फ़ोन की डिस्प्ले है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ी है, और दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ी दी गई है, जिसमें आप बड़ी आसानी से अपनी मूवी और गेम का एंजॉय ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों मूवी देखने के लिए और जो दोस्तों गेम होता है उसको खेलने के लिए सिर्फ 2 चीज़ की जरूरत होती है, एक बड़ी डिस्प्ले की जिसमें हमें अच्छा एंजॉय मिल सके, और दोस्तों दूसरी होती है बैटरी जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सके। दोस्तों दोनों ही चीज़ इसके अंदर काफ़ी बड़ी दी गई हैं, जिससे आप अपने इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक अगर हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।